कोशिश है बेटर बेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि कोशिश की गई। गलत मुद्दा था ये, सारे देश में सब लोग जानते थे इस बात को। हमने अपने मित्र मंडली में खासकर अमित जी से सलाह मशवरा किया कि इस विषय वस्तु पर क्या फिल्म बनाई जाए। उन्होंने भी बताया कि हाँ कुछ किया जाए। धीरे धीरे बातें होती गई, कहानी बनती गई, फिर उसको फिर पेपर में सब कुछ चिन्हित किया गया। जब ये सारी चीज़ें की गई तो कुछ नहीं था हम लोगों के पास, क्योंकि बहुत तकनीकी रूप से भी हम बहुत कम, आर्थिक इकोनॉमिकली तकनीकी सब कमज़ोर था। मार्क फोर से सब शूट हुआ, एक्टर्स हमारे पास उस बिहार में उस क्षेत्र में नहीं थे। तो और 3.5 दिन में ये सारी चीज़ें शूट हुई 65 मिनट की फिल्म में। इसको हमने वेब सीरीज़ में भी पाँच एपिसोड इसको किया है। तो बहुत विपरीत परिस्थितियाँ भी आई हमारे सामने, लेकिन हमने किया। और ये टीम है और सबने सहयोग किया, जो लोग आए थे सबने रात दिन एक करके से शूट किया गया। और पोस्ट प्रोडक्शन में भी काफ़ी लोगों ने मदद किया और सब कुछ तैयार हो गई। तो अब क्या बताएं, एक घटना तो घट गई, बाकी ऑडियंस जो है वो लोग बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैसेज इसमें हमने ये किया कि जो दरिंदगी चल रही है तो एक आम आदमी भी सोचता रह जाता है, कमज़ोर होता है, वो आवाज़ नहीं उठा पाता है। इसमें हमने दिखाया कि एक लड़का जिसकी ज़िंदगी पेंटिंग है, एग्जीबिशन में उसकी एग्जीबिशन होने वाली, वहाँ अपनी प्रदर्शनी में वो अपनी पेंटिंग को ले जाना चाहता है सारी चीज़ें, लेकिन एक वाक्य उसके सामने घट जाता है और फिर धीरे 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 वो मकसद वो पेंटिंग्स ना होकर उस लड़की और उस दलदल में फंसे लोगों को उठाना चाहता है, कैसे निकाल, अब उसका मकसद हो जाता है। चीज़ें तो सर ने बता ही दिया। सर ने जब ये स्टोरी पे स्क्रिप्ट पे बात चल रही थी हम दोनों की, और ये घटना जो है हमारे ही शहर की है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ बिहार में, तो वहाँ पे ये घटना घटित हुई थी 6 महीना तकरीबन पहले, साल भर पहले। तो उसी संदर्भ में ये बात कर रहे थे तो मैंने बोला क्यों ना इस पे कुछ किया जाए, शॉर्ट फिल्म या फिर वेब सीरीज। तो हमारे पास उतना बजट भी नहीं था और इस फिल्म का निर्माण भी मैंने ही किया सर नहीं जी। तो बड़ा ही साहस बटोर करके और एक अच्छे से इस तरीके से भुना इस कैरेक्टर को, कैसे कैसे क्या किया जाए। और मेरे समाज के लोग भी, जैसे कि गजेंद्र पासवान जी थे वहाँ पे जो चेयरमैन थे पहले, और वहाँ के मुखिया थे शशि ठाकुर जी, उन लोगों ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया। बातें हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे बवाल हो जाए, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी कुछ ना हो जाए, ना हो जाए। मैंने वाला जो होगा देखा जाएगा जी, क्योंकि हम जो गलत वहाँ पे जो किया गया एनजीओ में जो चीज़ें हुई जी, बालिका गृह आश्रम में जो चीज़ें हुई, ठीक है सर, और होने के बाद भी क्या है, उम्र कैद की सजा मिल जाती है जी, बिल्कुल उठाएंगे ही लोग। और ऐसा नहीं जो अच्छे, क्योंकि दुनिया में सर अच्छे भी हैं बुरे लोग भी हैं, है कि नहीं। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि देश के हित के लिए कार्य करूँ जी, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा भी है, मैं कलाकार हूँ और मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, तो क्यों ना कुछ देश हित के लिए कुछ कार्य की जाए जो समाज को प्रेरित करे कि हाँ ये चीजें सही है, इस पे स्टेप लेनी चाहिए जी। सबसे पहले तो सब्जेक्ट की तारीफ करना चाहूँगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था और कुछ एक परफॉर्मेंसेज भी अच्छी लगी मेरे को। देना चाहता हूँ अच्छी बोल्ड फिल्म बनी है और एक साहसिक काम किया है पूरी टीम। जी बहुत अच्छा लगा कि इसने अपने दम पे ही कुछ किया, पैसे लगाया। अब एक इंसान, एक एक्टर अगर एक प्रोड्यूसर बनना बहुत बड़ी बात होती इसके लिए, एक्टर का प्रोड्यूसर बनना, क्योंकि फिर हर एक चीज़ मैनेज करना होता है एक प्रोड्यूसर को, पैसे लगाने होते हैं, दौड़ने पड़ते हैं, एडिटिंग करने पड़ते हैं, कई सारे मेहनत होते हैं। अब इस मूवी को लेके बोलना चाहता हूँ, बालिका गृह, जैसे कि एक लड़की होती है, घर की बेटी होती है, अब इन्होंने ये दर्शाया इसमें कि एक बेटी के साथ किस तरह से कैसे कैसे अत्याचार होते और हो रहे हैं, और लास्ट में यही दर्शाया है कि किसी भी बेटी या बहू या बहन के साथ ऐसा ना हो, जिसके ऊपर ये मूवी बनी है। और बहुत ही अच्छी मूवी है, कलाकार भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया अमित जी ने और सभी एक्टर ने, और हमारे विकास जी जो अच्छे, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और बहुत अच्छे राइटर भी हैं। 3.5 दिनों में अनप्रोफेशनल लोगों के साथ
इतना बेहतर काम करना अपने आप में काबिल तारीफ है। तो बहुत सारे नए ही थे, बिहार के थे, जो लगभग खेतों में काम कर रहे थे, तो काफी अच्छा काम किया है सब लोगों ने। अगर गलतियां निकाली जाए तो गलतियां तो बहुत सारी निकल सकती है, लेकिन एक देखा जाए कि कितना क्या कर सकते हैं, है कि नहीं, कि लोगों ने कितनी मेहनत से कितनी शिद्दत के साथ वो मतलब कि ख्वाहिशें पूरी की ये फिल्म बनाने की। इसका बजट भी बहुत ही कम था, इसलिए टेक्निकल पक्ष पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हर तरीके से फिल्म बहुत अच्छी थी। एक्टिंग इज वेरी नाइस एक्टिंग, अमित शर्मा सर हैज एक्टेड वेरी वेल सर, देयर इज नो ही हैज नो एनएसडी एंड बीएनए डिग्री, बिकॉज विदाउट दिस ही हैज एक्टेड वेरी वेल, एंड द एक्ट्रेस इज आल्सो वेरी गुड एक्टिंग। सब्जेक्ट उठाया है और ये सामाजिक मुद्दा उठाया है और इस तरह की फिल्में आनी चाहिए जिससे समाज में जागरूकता पैदा हो। और आप सब लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो उसमें हमें कंट्रीब्यूशन देना है और इसी कंट्रीब्यूशन को लेकर के विकास भाई ने जो फिल्म बनाई है बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट उठाया है। इसके बारे में जितनी तारीफ करूँ जो भी कुछ कहूँ शायद वो कम होगा, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाह ले कि मुझे इनसे क्या चाहिए वो करवा ले। क्योंकि मैं भागलपुर से हूँ और भागलपुर से ही मेरी पहचान हुई सर से, सर आए थे एक फिल्म की डायरेक्शन में और मैं वहाँ एज ए कलाकार आया था, तो पता नहीं सर के अंदर क्या एक भावनाएं आई मेरे प्रति और सर ने कहा कि आप मुंबई आए। मेरी एक बहुत चर्चित कविताएँ हैं जो अभी पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में हर जगह बोली जा रही हैं, तो वो है बिहार सरकार पे बैंग है, पता होने चाहिए आपको कि वहाँ बंद है, क्या बंद है आप लोग समझ गए होंगे। तो उसमें है कि पीकर फूल था नशे में टूल था, पीकर फूल था नशे में टूल था, लग गया था थानेदार साहब के हाथों, अरे वो तो लेन देन का मामला है साहब, जिसकी वजह से थाने से भी घूम कर आया हूँ, बिहार में बंद है फिर भी पीकर आया हूँ। कितने मिनट गए थे सर? ये पूरा पिक्चर मैंने देखा, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही पावरफुल। मैंने देखा कि इतना अच्छा राइटिंग और इतना अच्छा स्क्रीन प्ले कोई कर सकता है तो वो है हमारे विकास जी। आम और खास बात ये है कि जो बालिका गृह टाइटल है जो किसी ने रख लिया था इसलिए गृह नहीं मिल पाया, ठीक है, फिर हमने बालिका गृह आश्रय किया तो आश्रय किसी ने रख लिया था, तो उसके आगे पीछे शब्द छोटे अक्षरों में चिपकाए जाएंगे अगले पोस्टर में, इसमें कथा बालिका गृह आश्रय की ऐसा किया गया है, तो ये पूरी फिल्म का ये नाम होगा कथा बालिका गृह आश्रय की, ठीक है। और इसके वेब सीरीज 5 एपिसोड हैं 13-13 मिनट के और एक टेलीफिल्म है जिसे हम फेस्टिवल में हम दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं और बाकी सब इसमें जी जान लगाकर प्रियांशु सर और पिंकी झा जी ने अपना पूरा समर्पण अपना 100